तो मैं मलेशिया की ट्रेडिशनल चॉकलेट वो लेके आया हूँ और मैं आपको खिलाना चाहता हूँ और आपका रिएक्शन देखना चाहता हूँ, आपको ये चॉकलेट कैसी लगती है। तो देखते हैं उमर भाई को दूरियन चॉकलेट कैसी लगती है। अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा ये किस चीज से बनी है, वो मैं खाने के बाद बताऊंगा। ओरिजिनल रिएक्शन देना, ओरिजिनल रिएक्शन, ओरिजिनल मतलब आप अगर नहीं अच्छी लगी तो नो प्रॉब्लम। तो उमर भाई फेमस है मलेशिया में, बहुत फेमस है, लोग इसके पीछे क्रेजी हैं। अच्छा, क्रेजी है मतलब चॉकलेट के पीछे भी, और इसका जो ओरिजिनल फ्रूट है वो ये है। अच्छा, दुरियान दुरियान उसके पीछे भी। देखते हैं उमर भाई को ये कैसी लगती है। वो ये ले स्टार्ट हूं। उफ वो भाई अच्छा है, अच्छा यार वो भाई बहुत अच्छी है यार। मैं सुना था इसकी स्मेल बहुत ज्यादा है। उफ नहीं, ये अच्छी है, टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन अगर ये कि स्मेल को आपको और कम करना पड़ेगा, वरना खा जो खा जो। स्मेल को अगर करेंगे ना हावी तो भी नहीं खाई जाएगी। ऐसे लग रहा है वो लहसुन खा रहा है क्योंकि आप स्मेल को मतलब खड़े, मतलब स्वीट तो है लहसुन नहीं, टेस्ट ठीक है, कोई कुछ और ही डाल देते थे इसके मुझे क्या पता, कोई बादाम, मतलब बादाम डाल दे, कोई और चीज डाल दे, दुनिया क्यों डाल दी है, दुनिया क्यों डाल दी। और इसको पसंद करते हैं मलेशिया में बहुत यार, क्यों? इसका नाम मैंने भी रिएक्शन बनाया हुआ है, यानी ये बिल्कुल एक इतनी अनोइंग है, अनोइंग स्ट्रांगली इसके। अच्छा, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये मोस्ट स्मेलिएस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का जिसकी बहुत गंदी स्मेल है, वो नाक के अंदर से भी बाहर आ रही स्मेल। इसका ट्रक मलेशिया में आपकी गाड़ी के पास से गुजर जाए तो तीन दिन आपकी गाड़ी से स्मेल नहीं गई जाती। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ये जो दुरियान फ्रूट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। सेहत के लिए अच्छा होता है? नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, सेहत के लिए नहीं। तो फिर ये क्यों खा रहे हैं लोग? क्रेजी है इसके अबाउट, लाइक चाइनीज और मलेशियन बहुत शौक से खाते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होते हैं। तो अब आप देखिए आपको कैसी लगी है। ऐसा लग रहा है कि तकरीबन आम को अगर आप 6 महीने वो गिला दे ना, गल जाए और उसमें गंदी से स्मेल निकल रही है आम की तो वो चीज में खाइए। और इतना बुरा इसका, यानी वो आपको क्या लगता है जापानीज़ लोग ट्राई कर सकते हैं ये? तो वो अगर खाया तो वो तो चीखे मारेंगे, वो तो उसकी स्मेल के ऊपर चीखे मारेंगे। टेस्ट ठीक है, टेस्ट ठीक है, मतलब टेस्ट इतना आया भी नहीं उस चीज का, स्मेल को ओवरकम कर। स्मेल अभी तक मुंह के अंदर, नाक के अंदर से अभी तक स्मेल बहुत गंदी स्मेल है इसकी। मैंने इसका फ्रूट खाया हुआ है। ये फ्रूट वैसे भी खाते हैं? फ्रूट खाते हैं, खाली फ्रूट, खाली फ्रूट खाते हैं। तो आप इसके रिएक्शन देखिएगा यूट्यूब में डिफरेंट लोगों के, लाइक जो हॉलीवुड स्टार्स हैं वो लाइक क्रेजी हैं इसके अबाउट। वो यानी कहते अच्छा है, अच्छा है, उनको पसंद भी आता है, बहुत क्रीमी है ये, तो अभी चॉकलेट की वजह से आ रहा है, वो ऐसे जैसे आप क्रीम खा रहे हैं। अच्छा, चेक कीजिएगा इसकी, लोग पसंद करते हैं ज्यादा इसे, बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी पसंद नहीं आई, मुझे पसंद नहीं आई। मैं तो डर रहा हूं कि अभी मेरे पता नहीं मुंह से ये बदबू चली जाएगी, चली जाएगी यार। मैं इतनी शौक से आपके लिए लेके आया हूं मलेशिया से, मतलब लाइक थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम ना लेकर सारा डब्बा आपने के, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम कभी ना लेकर। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।